वहीं ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा है। पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा ने अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। वहीं बहुत जल्द ही भाजपा नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है।